एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया द्रोणाचार्य ने, पढ़ा है ना आप सबने, पर ये बताइए कितनों ने महाभारत में स्वयं पढ़ा है। मगर देखिए मार्क्स और मैकाले का प्रभाव कि हमारे दिमागों में ऐसा भरा हुआ है कि हम ग्लानी से आबद्ध हैं बगैर पढ़े हुए। कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया जो एकलव्य ने तीर चलाए थे, और जब वह तीर अर्जुन निकालते हैं तो उस कुत्ते के मुंह में एक खरोंच तक उस बाण से नहीं आई होती है, तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि ये सामान्य तीर नहीं है। उन्होंने कहा तो दिव्य अस्त्र है, वो देखते हैं ये दिव्य अस्त्र चलाना, तो उन्होंने कहा दिव्य अस्त्र राजा चला सकता है, ये कैसे सीखा इसने। तो जब द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं कि तुमने ये किससे सीखा, तो कहता आपसे सीखा गुरु, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, बालक तुम अपना परिचय दो। एकलव्य क्या कहता है, मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य। अरे वो मगध के चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस का बेटा था। यदि आप ये कह रहे हैं कि वनवासी था तो ये भी पूरा वाक्य तो पूरा करो कि वो सेना अध्यक्ष था, मगर देखिए कितनी चालाकी से छुपा लिया आधे तथ्य को, और उसके बाद हमारे दिमागों में भर दिया कि ये बहुत गलत किया गया।